योगी आदित्यनाथ के रामपुर आगमन को लेकर प्रशासनिक अमले ने अपनी तैयारियों को कल शाम को ही पूरा कर लिया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ अपने स्टेट विमान से पहली बार रामपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री आज मूढ़ा पांडे की हवाई पट्टी पर उतरे और कार से सीधे CRPF चुंगी होते हुए गांधी समाधि पहुंचे और पुष्प अर्पित किए। उसके बाद वे सीधे फिजिकल ग्राउंड पहुंचे और जनता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को अपने हाथों से 2100 ट्राईसाइकिल बांटी और विधायकों सहित सांसद को भी दिए गुरु मंत्र। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जहां सीएम की सुरक्षा में 20 NSG कमांडो को जिम्मा सौंपा गया। वहीं सेहत विभाग भी मुस्तैद दिखा। सेहत विभाग ने इमरजेंसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव को स्टोर रखा। इस दौरान आजम खान का गढ़ कहे जाने वाला रामपुर आज दूर दूर तक भगवा रंग में रंगा दिखाई दिया और आजम के ही गढ़ में गरजे योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी रामपुर की फिजा का माहौल बनाने के लिए सपा नेता आजम खान के इशारे पर योगी को रामपुर की धरती पर कदम तक नहीं रखने दिया था। यह हम नहीं कह रहे, तब योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे यह आरोप जिला प्रशासन पर लगाया था। रामपुर UP स्टेशन से अभिषेक शर्मा, आजाद TV न्यूज। जब मैं इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर नेपाल सिंह जी और भारत सरकार के हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का फोन मेरे पास आया कि रामपुर के ऐसे कार्यक्रम में महीनों से मामला लंबित पड़ा हुआ, इस कार्यक्रम में आपको आना है। तो मैंने कभी कार्यक्रम बनाता हूं उत्तर प्रदेश की विकास की योजनाओं को लेकर के, कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ हमारी बैठकें चल रही थी, तो मैंने कहा उसी में से कोई समय निकाल करके मैं रामपुर आऊंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो रामपुर में बैठ करके चाहते हैं कि रामपुर में उनका एकाधिकार समाप्त हो। मैं धन्यवाद दूंगा रामपुर के नागरिकों को जिन्होंने 2014 में डॉक्टर नेपाल सिंह जी को यहां पर चुनाव जिता करके ऐसे कथित ठेकेदारों को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको एक जोरदार तमाचा मारा था। और मैं बधाई दूंगा जब 2017 में विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो आप लोगों ने तब भी सरदार बलदेव सिंह ओनक को और श्रीमती राजबाला को विधानसभा में चुनाव जिता करके भेजा। सरदार तो एक ही काफी होता है, 1,25,000 से एक लड़ाऊं। तो सरदार बलदेव सिंह ओलक पर्याप्त है रामपुर का नेतृत्व करने के लिए, और मुझे लगता है कि मैं इसलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, जिन लोगों ने लूटा है, जिन लोगों ने यहां के दलितों को, यहां के गरीबों को, यहां के कमजोरों को, यहां के व्यापारियों को उत्पीड़न किया है, अब उनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। उन पर अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। भाइयों बहनों, ये हमारे जो दिव्यांग जन हैं, ये प्रोत्साहन के अधिकारी हैं। समाज की संवेदना इनके साथ अगर रहे तो ईश्वरीय सृष्टि में हर एक मनुष्य के अंदर अपनी दिव्य प्रतिभा भरी हुई है, उसको हम थोड़ा भी प्रोत्साहित कर दें और उसकी प्रतिभा को एक अवसर दे दें तो उसकी दिव्य प्रतिभा समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है।